मैं निवेदन करता हूं आए और गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हे गुरुवर, न कोई बात न कोई बहाना चलेगा, इस बार का चातुर्मास तो यहां करना ही पड़ेगा। पूज्य श्री के चरणों में आए सभी लोग, पूरी गुणायतन की पूरी टीम यहां उपस्थित है बंधुओं, पूरी टीम से मैं निवेदन करता हूं। मैं विनोद जी से निवेदन कर रहा हूं, विनोद जी काला जी कि वो स्वयं पूज्य श्री से निवेदन कर रहे हैं। आज आपकी आवाज में पूरा जोश होना चाहिए, क्योंकि बिना जोश के काम होना नहीं है। मैं जानता हूं हमारे महर्षि को, महर्षि पूरे जोश के साथ आप सबके सब एक ही सुर में एक ही आवाज में बोलना है। तो पहले हम लोग जयकारा ले लें। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जय जय। भाइयों बहनों माताओं, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़े तसल्ली हो रही है कि हम लोग सब गुणायतन परिवार से करीबन 50 हम लोग 50 सदस्य थे, जो कि दादा गुरु से मिलने गए थे डोंगरगढ़, रायपुर होते हुए गए थे, और दादा गुरु से हम लोग सभी मिलकर हम लोगों ने कहा आचार्य श्री आपसे हमने 5 आशीर्वाद लेने आए हैं। हमने कहा आचार्य श्री आपसे हम 5 आशीर्वाद लेने आए हैं। आचार्य श्री बोले क्या बात कर रहे हो, लोग तो एक आशीर्वाद नहीं करते, 5 आशीर्वाद लेने आए हैं। तो पहले हमने कहा कि आचार्य श्री हम चाहते हैं कि हमारा पंच कल्याणक, गुणायतन का पंच कल्याणक 15 फरवरी से 25 फरवरी को हो जाए, 15 फरवरी से 25 फरवरी को हो जाए और 2024 में हो जाए, इसका आशीर्वाद चाहिए। बहुत चैलेंजिंग काम है, ये होना बड़ा मुश्किल है, पर गुरुवर का आशीर्वाद रहे तो सब कुछ हो जाता है, एक ही चक्कर में हो जाता है, ये हम जानते हैं, इसे आपका आशीर्वाद चाहिए। आचार्य श्री मुस्कुराए, मंदी मंद मुस्कुराए, पर उनका हाथ उठा। दूसरा हमने कहा, दूसरा आशीर्वाद आचार्य श्री हम चाहते हैं कि हमें इस पंच कल्याण में आपका सान्निध्य मिले, आपका सान्निध्य मिले, हम ये चाहते हैं आचार्य श्री। और ये फिर मंद मंद मुस्कुराए और पर हाथ उठ गया उनका। और फिर कहा मैं तीसरा आशीर्वाद हमें ये चाहिए आचार्य श्री, संघ के सभी साधु शिखर जी में आए पधारे, इस उनका हमें सबका सान्निध्य चाहिए, सबका तालियां। तो तीसरा आशीर्वाद हमने ये मांगा और चौथा आशीर्वाद हमने मांगा आचार्य श्री, पर ये सब काम हम पंच कल्याण तो तब कर पाएंगे जब हमारे गुरुवर प्रमाण सागर जी के महाराज का चतुर्मास यहाँ हो। चतुर्मास बिना हम नहीं कर पाएंगे ये काम, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग काम, बहुत काम है और इसको कर नहीं पाएंगे। तो ये भी उन्होंने हाथ तोड़ गया, सभी ने देखा हाथ उठ गया। और तो पांचवा आशीर्वाद तो हमने मांगा और आचार्य श्री ने दिया, पर आचार्य श्री ने तो दिया पर महाराज श्री ने तब होना महाराज श्री बोल रहे हैं एक ही बात, एक ही उनके एक ही हमको कहना है, मार्गदर्शन एक ही है, आप लोग कटिबद्ध हो। हम लोग सब एक साथ में बोले, क्या बोले हम लोग, हम कटिबद्ध हैं, हमने ठान लिया है कि चतुर्मास आपका होगा तो ये पंच कल्याण हम कर गुजरेंगे, कोई हम कर गुजरेंगे महाराज श्री, कोई हम पूरे कटिबद्ध हैं इस बात के लिए। हम चाहते हैं कि क्योंकि सारे देश की नजर एक ही तरफ है कि गुणायतन का चतुर्मास कब होना है, वो जो कि वो वाह 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 कुछ वो सब कोई वाह 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 करना चाहते हैं, पर ये कार्य बहुत बहुत कठिन है भाइयों बहनों, बहुत ही कठिन कार्य है। आप सबके तरफ से हम श्रीफल चढ़ाएंगे, पर श्रीफल चढ़ाने के पहले आप सब से वादा लेना चाहते हैं, जो यहाँ हैं उनसे भी और जो टीवी पर हमें देख रहे हैं उनसे भी और जो टीवी पर नहीं देख रहे हैं उनसे भी, हम सबको जुट जाना पड़ेगा, हम सबको जुट जाना पड़ेगा, कई तरह से जुट जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत काम बाकी है और इसको करने में हम सब पर हमें हमारी शक्ति में कहीं कमी नहीं है। हम कर गुजरेंगे। तो महाराज ने एक ही बात सिखाई,
उसका भावना योग, और भावना योग में पिछली बार भी मैंने सुनाया था कि होगा वही जो सोचेगा तू, तो होगा वही, और तू अपनी शक्ति को समझ ले, तू सर्वशक्तिमान है। ये दो जो बातें हमको सिखाई, तो हम जानते हैं कि महाराज श्री का आशीर्वाद मिले और आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला है, तो ये काम तो होगा होगा होगा। तो आप सब से निवेदन है, पहले तो आप सबको ही आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म से करें, फंड से करें, और जिन्होंने अपनी राशि अभी भी नहीं दी है वो उनको जल्दी से जल्दी दें, कारण कि फंड्स की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ा काम है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। हम लोगों ने तो कमर कस ली है, आपने कमर कस ली है कि नहीं बताइए, हाँ, अरे हाथ उठाइए ना, बोलिए हाँ हाँ हाँ। तो आइए हम सब चढ़ाते हैं श्रीफल, और सुनील जी कुछ बोलना था। हम सब की है विलासा बुनायतन में हो चतुर्मा, हम सब की है विलासा बुनायतन में हो चौमासा, हम सब की है विलासा बुनायतन में हो चौमासा। और लीजिएगा यह श्रीफल का थाल लेकर के संपूर्ण लोग एक साथ पहुंच रहे हैं, हमारे विनोद जी काला कार्य अध्यक्ष सुनील जी, यहाँ सुनील जी हजमेरा, यहाँ से रमेश जी, वहाँ से हमारे सुभाष जी, यहाँ से प्रेमचंद जी, डब्बू भैया, वहाँ से प्रदीप भैया, वहाँ से संजय जी, अभिनव जी, गोट भैया, हमारे राजकुमार जी, जयेश भैया, सुनील जी सीएफओ, पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, अमित जी स्टोर एक साथ पहुंच रहे हैं, हमारे सुबीर जी और अक्षय भाई एक साथ, पूरी टीम, पूरा गुणायतन यहाँ पर उपस्थित हमारा श्री कि चातुर्मास गुणायतन में ही हो, ऐसी भावना को लेकर के आप हमें चातुर्मास दो महाराज श्री, हम फरवरी के पहले पहले पूरी तैयारी करके देंगे, ऐसी कटिबद्धता के साथ पूज्य श्री के चरणों में वंदन कर रहे हैं, यह समर्पित कर रहे हैं श्रीफल का थाल। इनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूर्त, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी उन जैसी ही सूरत, भाव की सेज बना करके उस पर तुमको पधराएंगे, गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ा। ओम रिम मुनिवर एक साठ प्रमाण सागर जी महाराज संग संग साक्षात विराजमान तिनके चरणों में मैं चतुर्मास हेतु निवेदन, साक्षात विराजमान तिनके चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, बारंबार संपूर्ण संघ के चरणों में कर रहे हैं। और निवेदन कर रहे हैं वो स्वामी अभिनव जी पहुंचिएगा, और मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय इंजीनियर रमेश जी अपनी बात श्री के साथ रख रहे हैं पूज्य श्री के चरणों में, मैं कि सभी लोगों से निवेदन करता हूँ अपने अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं सभी लोग, प्रेमचंद जी बार बार आशीर्वाद ले रहे हैं, पूरा परिवार सुभाष जी का यहाँ पर उपस्थित अपनी बिटिया के साथ और आशीर्वाद ले रहे हैं, लीजिएगा। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रथम प्रश्न के रूप में हमारे इंजीनियर रमेश जी जो कि हमारे गुणायतन के निर्माण मंत्री ही बंधुओं अपनी बात रख रहे हैं। विनोद जी भाई साहब और हम सब लोग पूरी गुणायतन की टीम, लगभग कुछ लोग सुबह पहुंच गए थे, कुछ लोग 10 बजे पहुंचे, विनोद जी भाई साहब जैसे पहुंचे हैं, परम पूज आचार्य गुरुवर को गुणायतन के प्रति कितने वो चिंता कर रहे हैं गुणायतन की, मैं ये बताना चाह रहा हूं। उनको जैसे ही पता चला कि अध्यक्ष जी आ चुके हैं, अध्यक्ष जी को सीधे अंदर से किसी ने कहा आचार्य गुरुवर अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी गए, अब अध्यक्ष जी हैं और वह आचार्य गुरुवर हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि अध्यक्ष जी की और आचार्य गुरुवर के बीच में क्या गुप्तगू हुई, लेकिन थोड़ी बहुत अगर मैं चेहरा पढ़ना जानता हूं तो मैं जानता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि आचार्य गुरुवर ने यही कहा होगा कि अध्यक्ष जी अब आपको जाके पंचकल्याणक कराना है और मुनि श्री का चातुर्मास भी कराना है। और जब आचार्य गुरुवर ने कह दिया होगा तो वो तो ब्रह्मा की एक लकीर हो जाया करती है, तो मैं और आप सब ये मान के चल रहे हैं कि परम पूज मुनि श्री और संगत छुल्लक महाराजों का चातुर्मास गुणायतन की इस पावन धरा पर संपन्न होगा। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय, जय जय मुनि संघ की।
पिछले लगभग 12-13 वर्षों से गुणायतन पूर्ण तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ जुटकर अपने काम को अंजाम दे रहा है। मैं जब इधर आया था तो गुरुदेव को यही कहकर आया था कि 1.5-2 साल में काम हो जाएगा, ऐसी संभावना है, और गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर आया था कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊं। बीच में 2 साल कोविड ने खा लिए और काम खिंच नहीं पाया। सभी लोग बहुत कोशिश से जुटे हुए हैं, चातुर्मास का समय भी निकट है, आप लोगों ने बहुत होशियारी से काम लिया है। गुरुदेव के समक्ष जाकर चातुर्मास का निवेदन किया, लेकिन निमित्त पंचकल्याणक का जोड़ करके किया। निश्चित ये बड़ा काम है और बड़े काम के लिए बड़े प्रयत्न की जरूरत होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, फिर भी इस काम को बहुत तत्परता से पूरा किया जा रहा है। आचार्य महाराज से आप लोगों ने चातुर्मास का निवेदन किया, मैं तो इतना ही मानता हूँ कि आप लोगों का पुण्य का पलड़ा भारी है। किसी भी बात को आचार्य महाराज इतनी आसानी से और इतनी जल्दी सुन लेते हैं, ऐसा मैंने बहुत कम देखा। लेकिन आज रहस्य का उद्घाटन कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से निकले नहीं उसके पहले मेरे पास समाचार आ गए थे। पर मैंने कहा कि चातुर्वास का निवेदन तो कर रहे हो पंचकल्याणक कराने के लिए, लेकिन काम तो इतना फैला हुआ है कि पंचकल्याणक कराओगे कैसे। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यहाँ इतना काम है कि 2 वर्ष से कम नहीं लग सकते। लेकिन चलिए, आप लोगों ने गुरुदेव के समक्ष बात रख दी है तो 4 गुनी ताकत लगाकर 2 वर्ष का काम 6 महीने में खत्म करके दिखा दीजिए। इसे एक चैलेंज के रूप में लीजिए। अगर हम 4 गुनी शक्ति लगाएंगे तभी इसका परिणाम पाएंगे। विनोद जी, आपने कहा तो बहुत दम से और अब आपको पूरी टीम के साथ पूरी दम लगानी होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जिस उत्साह के साथ अभी जुटे हुए हो, ऐसी उत्साह और प्रतिबद्धता हो, तो आप फरवरी तो बहुत दूर की बात है, नवंबर में भी पंचकल्याणक कर सकते हो। टारगेट लीजिए और उस टारगेट को पाने का लक्ष्य बना करके चलिए। सब मैं देख रहा हूं, पिछले 1-1.5 माह से बहुत ज़्यादा कवायदे चल रही है और सब लोग बहुत सक्रियता से जुड़े हुए हैं। गुणायतन की पूरी कमेटी और हमारे आर्किटेक्ट चंद्रशेखर, इसका तो क्या कहें, ऐसा कोई बिरला आर्किटेक्ट जो एक कार्यकर्ता बन करके काम करता है और इतना समय देता है। एक बार चंद्रशेखर सामने आ जाओ, मैं चाहूँगा एक बार इस व्यक्ति के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करना चाहिए। जोरदार करतल ध्वनि, यहीं आ जाओ, ऊपर आ जाओ। कोई भी आर्किटेक्ट पूरी तरह प्रोफेशनल होता है, लेकिन चंद्रशेखर ने जिस समर्पण का परिचय दिया है वो बहुत सराहनीय है। और अभी भी 2 दिन से यहाँ है, पूरा समय निकाल करके दे रहे हैं, और अब इनने भी सोच लिया हो जाएगा,
फरवरी के पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब मैं यही कहूंगा, कमेटी पूरी तत्परता के साथ जुटे, अपनी कटिबद्धता बनाए रखिए। गुरुदेव के सामने आप लोगों ने पंचकल्याण का निवेदन किया, उसके लिए शर्त रख दी कि चातुर्मास मिले, और गुरुदेव को भी लगता है कि जल्दी हो जाए, और मैं भी सोचता हूँ जल्दी फ्री हो जाऊँ तो मामला सब ठीक होगा। इसलिए शायद गुरुदेव ने आप लोगों की भावना को स्वीकार लिया और मेरे पास वैसा संकेत आ गया। पर मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, चौमासा तो करा लो और पंच कल्याणक न करा पाओ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस वर्ष आप चातुर्मास का निवेदन कर रहे हो तो उसे चातुर्मास की तरह न देकर पंच कल्याणक की पूर्व भूमिका के रूप में देखे और उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। आज गुरुदेव का आशीर्वाद तो मिल ही गया है तो उसके आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मेरी मंशा तो ये थी कि थोड़ा घूम घाम लूँ तब तक ये लोग सब पूरा कर ले, लेकिन जो गुरु की आज्ञा, आप लोगों की भावना, आप लोगों का पुण्य फल दे रहा है, साकार हो रहा है। आप लोगों ने चातुर्मास का निवेदन किया, गुरु आज्ञा मिल गई है, वो लाभ मिलेगा। और इस बार इस चातुर्मास में कुछ अन्य लाभ भी मिलने की संभावना है जो समय पर प्रकट करूंगा। और यहाँ का जो पंचकल्याणक संपन्न होगा वो ऐतिहासिक पंचकल्याणक होगा, न भूतो न भविष्यति की तरह जैसी आपने संरचना तैयार की है उससे अच्छी योजना आपको पंचकल्याणक के लिए बनानी होगी। अभी से एक एक दिन अब अपने लिए भारी है। मैं तो ये कहूँगा, हमसे चौमासा का निवेदन किया है, पहले अपने चौमासे का संकल्प ले लो तो सारा काम हो जाए। विनोद जी एक कलश अपना रख दो, मजा ही मजा है, फिर सब काम हो जाएगा। क्योंकि आप जब यहाँ आके खड़े होते हो ना तो हरकत बढ़ जाती। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल, मैं तो विनोद जी की इस अर्थ में सराहना करूँगा कि गंभीर बीमारी को हरा कर आए हैं, एक प्रकार से नव जीवन पाए हैं, लेकिन नव जीवन में नया उत्साह भरा है, बल्कि पहले से बड़ा हुआ उत्साह है। और इतनी अच्छी वर्किंग, अभी भी अपना अधिकतम समय भले कोलकाता में हो पर ध्यान गुणायतन में ही लगा रहता है, ऐसे ही लगा करके रखिए और कार्यों को गति दे। इस भाव के साथ मेरा आशीर्वाद है। जो भी चातुर्मास की योजना है, कब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चर्चा करके आज ही डिक्लेयर कर दूं। देखिए, अब स्थापना की डेट तो चतुर्दशी है, 2 जुलाई को चतुर्दशी है, संयोग से रविवार है, उसी दिन सब काम कर लीजिए जो कुछ करना है। और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का योग होगा, तो ये दोनों दिन का कार्यक्रम आप सबको मिलेगा। अपनी तैयारी से कीजिए। बस एक ही बात इसके साथ आपको देख करके चलनी है कि हमको पंच कल्याणक पूरा करना है और इसमें जुट करके पूरी तरह से कटिबद्ध होकर के काम करना है। मेरा यही आशीर्वाद। ये बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।